सर नाम क्या आपका? सत श्री अकाल जी महाराज, मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। जी गुरमीत जी, सबसे पहला आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जाने वाली हूँ, आप सभी के कहने पर, आप लोग सभी का मैसेज काफ़ी ज़्यादा आ रहा था कि रंजन पाड़ी की वीडियो और गवान की वीडियो लेके आने के लिए। तो अभी जस्ट मैं निकल रही हूँ घर से और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी मैं निकलती हूँ, ऑटो वाले भी वेट कर रहे हैं। मनोज जी से मैंने कहा था वेट करने के लिए, तो चलो बाहर वेट कर रहे हैं, तो मिलाती हूँ आपको उनसे भी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। ट्रेन की पटरी ऊपर है ना? हाँ ऊपर है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आप सभी का ज़ैनब व्लॉग में स्वागत है। तो जैसे कि मैं आई हूँ गवान रेलवे स्टेशन की अपडेट के लिए, तो ये आई हूँ मैं बैक साइड से, क्योंकि अभी तक के कुछ भी काम, एंट्रेंस जो गेट होता है वो बिल्कुल भी नहीं बना हुआ है। तो कुछ इस तरह का व्यू है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनब व्लॉग में आपका स्वागत है। सो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम रांजनपाड़ा और गवान की रेलवे स्टेशन की वीडियो ज़रूर लाएंगे। इसी के साथ ही साथ आप रेलवे स्टेशन जो है रांजनपाड़े की, वो वीडियो ज़रूर देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना, और उसे 100 लाइक्स भी ज़रूर करना। ताकि आज मैं आई हूँ गवान वाले रेलवे स्टेशन पर, तो ये देख सकते हो आप, सबसे बैक साइड से आई हूँ मैं, पीछे से एंट्रेंस से अभी नहीं आई हूँ। तो कुछ इस तरह से देखिए ऊपर का जो काम है हो रहा है, अभी अंडर द प्रोसेसर है, बहुत काम बाकी है, बहुत काम, अभी तक के ज़्यादा काम कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगी। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं और कोशिश करूँगी कि एक बार और फिर से मैं रेलवे स्टेशन जो उरन की है वहाँ की अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो चलते हैं बिना समय गवाए, लेट्स गो। तो सबसे शुरू में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, आई थिंक सो रेलवे पटरी का जो काम है वो थोड़ा बाकी है, मुझे नहीं लगता पूरा हुआ है, क्योंकि भर्ती अभी बाकी है इसके अंदर। और साइड में भी देख सकते हो कुछ काम हुआ नहीं है, सिर्फ ऊपर का इन्होंने इतना बना चुके हैं। ये है गवान का रेलवे स्टेशन जो अंडर द कंस्ट्रक्शन है, प्रोसीजर में है, अभी तक का तो कुछ काम नहीं हुआ है फिलहाल। ये देखिए, जैसे कि मैंने शुरुआत की हूँ व्लॉग करने की, तो आपको बताना चाहूँगी अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ भी काम हुआ नहीं है, ना रेलवे पटरी की जो पटरी है, ना कोई सिग्नल है, और ना ही कोई टिकट काउंटर, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई भी एंट्रेंस गेट है वो तक नहीं बना हुआ है। तो समझ के चलिए इसे बहुत वक्त लगेगा बनने के लिए। तो अभी आप देख सकते हो अभी काफ़ी काम बाकी रह गया है, अभी तक समझो ना के बराबर 70-80% काम बाकी है यहाँ पर, अभी तक का कुछ हुआ नहीं है। और इसी के साथ ही साथ जो ग्रीन सिग्नल के लिए लाइट भी होती है वो कुछ भी नहीं लगाई गई है अभी तक के। तो चलते हम आगे और देखते हैं। और इसी के साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगी, ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर ही ये गवान वाली वीडियो आ रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो उसे ज़रूर मुझसे पूछना कमेंट्स में, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। उरन में आने वाली जो 5 रेलवे स्टेशन है उसका नाम मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट है गवान रेलवे स्टेशन, उसके बाद है रांजनपाड़ा, थर्ड है नावाशेवा, उसके बाद है द्रोणागिरी, एंड लास्ट है सबसे 5वां रेलवे स्टेशन है वो उरन। यानी कनेक्टिविटी इस तरह से आएंगी कि गवान से लेकर उरन तक का इस तरह का स्टॉप रहेगा इसका। तो ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है बैक साइड का। हम देखते कोशिश करते अगर कोई वर्कर मिले तो उनसे बात भी करेंगे। और मनोज जी आए हैं बहुत टाइम निकाल कर, अपना बहुत बारिश हो रही थी फिर भी आए, थैंक यू सो मच। तो चलते हम आगे, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत हुआ नहीं है। ये देखो यहाँ पर जो लॉबी होती है ना,
मैं हर टाइम बताती हूँ आपको कि चढ़ने उतरने की जो लॉबी होती है वो है, लेकिन इसमें अभी तक काम बाकी है। करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ी बनाई जा रही है अभी तक का काम बाकी है। यहाँ पर वर्कर लोग आज भी काम कर रहे हैं संडे के दिन। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि टाइम लगता है, कोई भी स्टेशन की बात हो, घाई घाई में तो नहीं बना पाएंगे ये लोग। पूरा पहाड़ी एरिया है, देखिए ये साइड पे पूरा पहाड़ी एरिया है और उस स्टेप में यहाँ पर स्टेशन बनाया जा रहा है। देखिए तो चलो चलते हैं हम आगे, पूछते हैं किसी वर्कर को, आई होप सो कि वो हमें हेल्प कर सके। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सीढ़ी का चढ़ने उतरने का काम बहुत बाकी है, बहुत ज़्यादा। अकॉर्डिंग टू उरन के और द्रोणागिरी के जो स्टेशन से है और नावा सेवा के, उससे जल्दी यानी उससे लेट हो गया ये, वो तो जल्दी बन ही गया है। चलो चलते हम आगे देखते हैं। पाजी बात करेंगे आप स्टेशन के बारे में थोड़ी सम इंफॉर्मेशन। तो गवान रेलवे स्टेशन पर हम आए हैं और यहाँ पर हमें मिले हैं गुरमीत सर, तो इनसे हम जानेंगे कि यहाँ का प्रोसीजर क्या चल रहा है और गवान रेलवे स्टेशन की कुछ अपडेट जो ये हमें बता सके इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि सभी लोगों के तक ये बात पहुँच जाए कि यहाँ की अपडेट कैसी है, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। तो हम इनका समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, इनसे पूछ लेंगे। सर नाम क्या आपका? सत श्री अकाल जी महाराज, मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी। जी गुरमीत जी, सबसे पहला आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो मैं जानना चाहूँगी सर, क्या अपडेट है गवान रेलवे स्टेशन के बारे में अभी फिलहाल? अभी मैम बन तो रहा है, अभी चालू हुआ है काम नया नया, ये अभी इतना ये काम तो निपट गया अपना। अभी ये तो रफ्टर का और लगेगा, सेम है जो पैपे वाला दिख रहे ना ये। जी जी, इसको रफ्टर बोलते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? रफ्टर। रफ्टर, हाँ ओके। दो रफ्टर और आएगा, फिर इसके अंदर ये जो लग रहा है ये पर्लिंग है। हाँ जी, ये फिर पर्लिंग लगने के बाद इसके ऊपर स्वीट लगेगा। ओके, मतलब इसको लगने में भी कम से कम 1.5-2 महीना चला जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग रेलवे स्टेशन का कम्प्लीट काम होने के लिए कितना महीना लगेगा? अभी हमारे हाथ में तो यही काम दिया हमको, आपका ऊपर का ही काम है ये बनाना पूरा, रिएक्शन का काम दिया। और सिग्नल विग्नल का काम अभी तक हुआ है या नहीं हुआ? वो अभी प्रोसीजर में चालू है, वो प्रोसीजर है। ओके, और क्या मैं जान सकती हूँ यहाँ तक की, जैसे कि लोगों के लिए आने के लिए एक फैसिलिटीज क्या हो सकती है आपके हिसाब से ट्रैवल के लिए? इतना तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ काम करने के लिए रहा हूँ। आप क्या मेन काम करते हो? मेरा ये रक्षा काम है सिर्फ। ओके जी, तो सारा वर्कर लोग आपके अंडर में काम करते हैं? ये मेरे कम से कम 12 लोग हैं वर्कर जो मेरी पार्टी मेरी गैंग के। अच्छा, आप लोग सब टीम है जो आप इन लोगों को लेके आके इतना काम करवा रहे हो यहाँ पे, तो एक टीम अच्छी बात है। और एक चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए एक फैसिलिटीज हो जाती है आने के लिए ट्रैवल उरन जैसे लोकेशन के लिए, तो आपके हिसाब से आपके वर्कर लोगों को तो जरूर तकलीफ होंगी ट्रैवल से, गांव से आए होंगे तो। अरे वो तो है, वो तो बाय ट्रेन ही आए हम। तो इनके लिए क्या फैसिलिटीज होंगी कि यहाँ पे काम की सुविधा हो सकती है आगे चाहे फ्यूचर में? देखो जो हमारा काम है मैम, हमारा काम ऐसा है कि हमारा हम लोग खुद कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट खुद लेते हैं उसका? जी जी। अच्छा, तो हमको इतना तो ये मतलब नहीं बता सकते हम आपको। हाँ जी, कि फैसिलिटी का क्या, सबको पता है कि इधर अगर स्टेशन बन जाएगा, हाँ जी, तो सबको आने जाने के लिए जो अभी इसकी वजह से तकलीफ थी, हाँ वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, बाकी तो सब चल ही रहा है जैसे पंजाब और इंडिया में। और आप लोग काम बराबर चल रहा आप लोगों का? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ सकते हो आगे, आ जाओ थोड़ा। सर क्या नाम है आपका? अमन। रमन। रमन जी, रमन जी सब लोग बराबर काम कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना आप लोगों को? पगार बराबर दे रहे हैं ना सर जी? चलिए अच्छी बात है, आप लोग जल्द से जल्द बनाइए ताकि यहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज हो जाए जो इतने दूर सर आते हैं इनको, क्योंकि बस की सुविधा देखिए कितना लंबा ट्रैवल करके आना पड़ता है। तो हम पूरी कोशिश में आपसे ये सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि काम जल्दी जल्दी हो जाए। कोई भी काम हमें पता है कि टाइम लगता है, रेलवे स्टेशन की बात हो वक्त लगता है, क्योंकि इतने घाई घाई में कोई काम नहीं करता है, ये रिस्की वाला काम है, बहुत जान की जोखिम वाला। तो आप लोग अच्छी तरह से काम करें, आप लोगों की टीम यूनिट बन के काम करें। तो जैसे कि आपने देखा सरदार जी ने हमें बहुत अच्छे से कॉर्पोरेट किया है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। लगभग टाइम लगेगा, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इनकी एक यूनिटी है, बैक साइड पर आप देख सकते हो इनकी पूरी यूनिटी है, एक साथ मिलकर काम करती है पूरी टीम। तो फिलहाल हम इनसे बात आगे देखते हैं और क्या एंट्रेंस है, गेट कहाँ बन रहा है, तो वो भी हम जान लेंगे। फिलहाल काम में सब लोग बिजी है, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सबको काम में साधन। आई नो दैट। ओके,
तो थैंक यू सो मच सरदार जी, आप लोगों ने सबने अपना कीमती समय दिया। थोड़ा और देख लेते हैं हम एंट्रेंस गेट कहाँ से है, सब चीज जान लेंगे। सर क्या नाम है आप लोगों के, फिर भी कंपनी का ग्रुप का नाम होता है? खालसा ग्रुप है जी। खालसा ग्रुप, ओके, थैंक यू सो मच पाजी। तो फिलहाल हमने पाजी से बात करके देखा सारी चीजें, उन्होंने अपनी तरफ से जितना हो सके इन्फॉर्मेशन बताया। अभी हम आगे देखते हैं कि एंट्रेंस गेट क्या है और कहाँ से क्या बनने वाला है। एंट्रेंस गेट कहाँ से होने वाला है? एंट्रेंस जो एंट्री करते गेट की, गेट का एंट्री आई मीन यहाँ से आ रहा है कि कहाँ से आगे से एकदम? ओके भाई आराम से, ध्यान इधर मत दो, इस पे ध्यान मत दो। मैं जिम्मेदारी बनना चाहती भाई प्लीज। चलो फिलहाल देखती हूँ मैं। फिलहाल आप देख सकते हो अभी बाहर का भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में है काम, इसका वर्कर लोग काम कर रहे हैं अभी भी। चलते हम आगे, सब लोग काम कर रहे हैं ऊपर भी, देखिए इतने बारिश में भी काम कर रहे हो आप लोग। क्या नाम है सर जी आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी कहाँ से हो? एमपी से। मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करने आए हो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने काम कर लिया रहा तो सोच ला आपके भाइयों का भी काम रास्ता आसान हो जाएगा आने के लिए। चलिए अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं ना? नहीं है, नहीं तकलीफ नहीं। क्या आपके हिसाब से क्या काम कर रहे हो आप? अभी हेल्पर में काम कर रहे हैं। हेल्पर में, इतना ऊपर का? हाँ, ये ऊपर देना है। हाँ जी, हाँ जी, रस्से में। तो आप लोगों के साथीदार लोग काम कर रहे हैं साथ में? हाँ, बहुत सारे है, ऊपर है ना, ऊपर है बैठे। ओ बाप रे बाप। तो आप देख सकते हो कितना रिस्की वाला काम है, बहुत सावधानी से करिए, कोई घाई नहीं है हमें ना, लोगों को घाई है, आराम से करो, आराम से हो जाने दो, चार पांच महीने जाने दो, लेकिन आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं है, बारिश का टाइम है ना, इसलिए आराम से करिए आप लोग काम। हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ के लोगों को यानी पता चल जाएगा आसपास में पूरी जगह के, यहाँ पे आना है या नहीं आना है। तो सर आप लोगों को भी ज्यादा डिस्टर्ब अच्छा नहीं है ना? ओके फाइन। तो ये देखिए अभी भी कितना वर्कर काम कर रहा है, यानी बारिश के वक्त में भी इनका काम चालू है, ऐसा नहीं है कोई दिन भी ऑफ है। छुट्टी मिलती क्या? नहीं मिलती, कोई बात नहीं, थोड़ा बना लो फिर आराम से छुट्टी ले दा एक हफ्ते के लिए। कुर्शीद कहाँ से आयो? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर ये यूपी। यूपी से हो? क्या काम के लिए आए यहाँ? वेल्डिंग काम करते हो? कितने लोग हैं आप में काम करने वाले आपके? मेरा पांच छह लोग हैं। पांच छह? पहली बार है यहाँ की ट्रिप गवान के लिए? पहली बार आए हो, चलो अच्छी बात है। अगर ये अच्छे से काम हो जाता है, फ्यूचर में गवर्नमेंट जब इसको बनाने की सोचती है ना, तो आगे के लिए आप लोगों के लिए रास्ता आसान है, आने जाने के लिए काम की फैसिलिटीज हो जाएंगी यहाँ पे। अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम करो, घाई नहीं है इधर, ठीक है, सावधानी बरतना जरूर। चलिए थैंक यू। पूरा जो कंटेनियर है ना आप देख सकते हो, पूरा वहाँ से पूरा काम कंटेनियर का होता है, बड़े बड़े जो माल है यहाँ से वहाँ ट्रैवल में जाता है, तो यहाँ पे पूरा बारिश में भी काम कर रहे ये लोग। ये टिकट काउंटर है ना? टिकट काउंटर बन रहा है ना ये? ये लिफ्ट के लिए? ओके, तो लिफ्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगी हमें। ये देखिए, तो मैं आपसे कहूंगी एवरीवन के ये लोग अपना काम बखूबी कर रहे हैं, सबको अपना काम पता है कि कैसा काम करना है, सावधानी से करना है, क्योंकि बारिश का मौसम भी ऐसा है। हम जितना सोचते हैं कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी ट्रेन चालू हो जाए, इतनी एक्साइटमेंट हमारे अंदर होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक इनकी सेफ्टी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि बारिश का वक्त है। अभी बारिश तो इतनी ज़्यादा शुरू नहीं हुई है, मेन जो होती है बारिश, फिर भी इन लोग काम कर रहे हैं, अपना टाइम शेड्यूल बराबर वक्त दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना ऊंचाई पे भी यहाँ पर एक वर्कर है, और वहाँ पर भी एकदम हाईएस्ट पर, एकदम ऊंचाई पे काम कर रहा है वो, यानी कितनी जान की जोखिम डालकर इन लोग काम करते। तो बहुत खुशी की बात है कि दूर दूर से यूपी एमपी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर काम करते हैं, और बखूबी अपना काम निभा रहे भी है। तो हम आगे थोड़ा देखते हैं एंट्रेंस का, और थोड़े वर्कर लोगों से भी बात कर लेंगे, ठीक है? चलो।
तो थोड़ा हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एंट्रेंस कहाँ से यहाँ से। अभी तक ऊपर का काम देखो चालू है, मैं बोले ना आपको कि काम अभी तक की प्रोसीजर है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कुछ भी, ताकि आप सभी का समय बचे यहाँ पर आने से और ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को डिस्टर्ब ना करें आप लोग सभी। इस वजह से कितना रिस्की पे बंदा काम कर रहा है ये देखो। क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। समझ शर्मा शर्मा जी, क्या काम कर रहे हो? करने तो आए हैं। आई मीन क्या काम? ये ऊपर का आप लोगों का काम है अंदर में? नहीं अभी तो बात करने हैं। अच्छा पहले टाइम आए हो आज? हाँ पहले टाइम। ओके फाइन, तो पहला दिन आप लोगों का काम के लिए, अभी इंस्ट्रक्शन देंगे? अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन मिला है। हाँ बात करने हैं। अच्छा रेट वगैरह? ओके ओके, यानी फिलहाल अभी ये चालू नहीं किया वो काम आप लोग ने? कहाँ से आए हो? यूपी एमपी बिहार? कोई बात नहीं, अच्छे से काम करिए। तो आप देख सकते हो दूर दूर से लोग आ रहे हैं काम करने के लिए इनके वर्कर्स में, और इनका खुद का ऑन कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से लोग काम करते हैं। ये देखिए नीचे भी सीढ़ी का काम चल रहा। आ कहाँ से जाना है? हाँ एंट्रेंस दिखता है ना पूरा, दिखता है दरवाजे की तरह? अभी तक बना है किधर? ये देखो ये दरवाजा है, यहाँ से ये बाहर जाने वाला, एक उधर एक बाहर जाए। ओके मनोज जी हमें गाइड कर रहे हैं, ज़्यादा मालूम नहीं हमें, तो यहाँ से यहाँ से बाहर है, यहाँ से और वहाँ से पार्किंग, पूरा पूरा पार्किंग। अच्छा को कुछ इस तरह का व्यू है, ये सामने क्या बन रहा है आई मीन यहाँ चलने का वक्त का? ये पूरा पार्किंग रहेगा और मेन गेट उधर रहेगा, गाड़ी बीड़ी फोर व्हीलर आने के लिए उधर से ही ना हो। अच्छा अभी तो जगह की जो ये नहीं किया ना लेवल भी नहीं हुआ अभी तक, ये कुछ बहुत काम बाकी मेरे ख्याल से जाएगा 7-8 महीने, 4-5 महीने, 7-8 महीने मैं बोल रही आपको। तो चलिए हम निकलते हैं अभी, आपको गवान की वीडियो अच्छी तरह से। चलिए मनोज शर्मा जी हमारे सब्सक्राइबर है, थैंक यू शर्मा जी, ये वाला सब्सक्राइब कर देना घंटे बजा, थैंक यू शर्मा जी घंटे बजा देंगे। हाँ बजा दीजिए आपको आएगा, थैंक यू शर्मा जी। मेरा YouTube चैनल है, आप लोग सर्च कर लीजिए। थाने में नहीं देने का हम लोगों का पिक्चर। हाँ थाने में नहीं देने का पिक्चर। पाजी हम ऐसा काम नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देती मैं। चलिए थैंक यू। ज़ैनब व्लॉग कर दीजिए, हमारी छोटी फैमिली है, इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ से ज्यादा फैमिली बढ़ जाए। बढ़ जाएगी। सब्सक्राइब भी कर देती हूँ, घंटी भी बजा देती हूँ ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगी। ओके तो ये मैं उरन की सारी ब्लॉग वीडियो सब निकाली हूँ। ओके जी, तो पाजी ने हमें सब्सक्राइब भी, आई होप सो आप लोग भी कर दीजिए। सब करेंगे मैम, सब जी जी निकाल लेना सभी। चलो थैंक यू पाजी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो गाइस सच में बारिश बहुत हो रही है और मैं निकल रही हूँ गाइस, अभी रंजन पाड़ी की वीडियो के लिए रुकना पड़ेगा। नहीं 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 पाजी ऑटो है, ऑटो में जल्दी जाए पाजी, और देखिए वहाँ तक ले जाओ। ओके थैंक यू पाजी। तो पाजी ने हमें छाता भी दे दिया, घर भी लेके जाओ। तो फाइनली छाते के साथ गवान रेलवे स्टेशन की वीडियो आज कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने अपना कमिटमेंट आप सभी के लिए पूरा कर दिया है प्रीपर। तो देख सकते हैं बहुत जोर की बारिश हो रही है और पाजी ने हमें दे दिया छतरी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली बनने की कोशिश करिए। तो चलो निकलती हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट भी ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गवान की पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी हूँ और अभी तक कुछ काम हुआ नहीं है, 6-7 महीना लग जाएगा। तो चलो मैं रखते निकलती हूँ, थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। बारिश बहुत जोरों की हो रही है। तो फाइनली एवरीवन हमारी गवान की वीडियो आज कंप्लीट हो गई है, सभी ने अच्छा सा रिस्पांस दिया, पाजी ने और मनोज जी भी ने अच्छे से गाइड किया, इन्होंने समझाया क्या है क्या नहीं है, और बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, बेचारे पाजी की छतरी मैंने तोड़ दी। पाजी अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपकी छतरी तोड़ दी उसके लिए, नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगी तो इंशाल्लाह लेके जरूर आऊंगी। तो चलो निकलते हैं हमारे अगले
हैं ब्लॉग के लिए, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना, और इससे पहले कि रांजनपाड़ी की जो वीडियो है आप जरूर देखना एवरीवन, मुझे उस पर 100 लाइक्स और कमेंट्स 50 करना के लिए दीजिए आप लोग।